हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिबी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेयर केस डिज़ाइन कैसे करते हैं उसकी सारी डिटेल यहां पे आज की वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, स्टेयर केस बनाने के लिए कितनी मिनिमम जगह चाहिए, स्टेयर में राइज और थ्रेड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, राइट। दोस्तों, पूरी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्टेयर डिज़ाइन करें, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा आपका मिनिमम राइज़र आपको कितना लेना है या फिर आपको थ्रेड कितना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइज़र और थ्रेड क्या है पहले वो पता कर लेते हैं। जो दोस्तों स्टेप्स होता है, कोई भी अगर स्टेप्स है, सपोज़ ये जो है ये एक स्टेप है, तो उसके अंदर दोस्तों जो वर्टिकल पोर्शन होता है, राइट, ये देखिए, ये वर्टिकल जो पोर्शन है, मतलब ये वाला पोर्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पोर्शन है, राइट, ये जो पोर्शन होता है उसको राइज़र बोला जाता है, राइट। वर्टिकल पोर्शन जो होता है स्टेप के अंदर वो राइज़र होता है, और दोस्तों जो हॉरिजेंटल पोर्शन होता है उसे दोस्तों थ्रेड बोला जाता है। तो ये जो हॉरिजेंटल पोर्शन है थ्रेड है, और ये जो वर्टिकल पोर्शन है उसे राइज़र बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप पहले समझ लीजिए कि राइज़र और थ्रेड क्या है, ठीक है। और जो उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो स्टेप्स है उसकी लेंथ किसे बोला जाता है, तो ये राइज़र, ये थ्रेड और जो स्टेप है, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है, तो ये जो डिस्टेंस है दोस्तों ये बोला जाता है स्टेप्स की विड्थ, ठीक है। तो इतनी सारी डिटेल दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छी स्टेप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो स्टेयर अगर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें राइज़र और थ्रेड का जो है हमें डायमेंशन डिसाइड करना होगा कि हमें राइज़र कितना लेना है, थ्रेड कितना लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों आईएस में स्पेसिफाइड है कि मिनिमम हमारा राइज़र 6 इंच से 8 इंच होना चाहिए। तो मैं ये सब डिटेल दोस्तों रेसिडेंशियल के लिए बता रहा हूँ। तो मिनिमम राइज़ हमारा होना चाहिए 6 इंच से 8 इंच आप लेंगे उसके बीच में, तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद दोस्तों मिनिमम थ्रेड आपका 10 इंच से 12 इंच के करीब होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना कि ये मिनिमम डायमेंशन है, इसके अंदर ही हमें राइज और थ्रेड लेना है, यार आईएस रिकमेंडेशन है इसलिए लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे ले रहा हूँ राइज़र जो है उसकी हाइट ले रहा हूँ, मतलब उसकी साइज़ ले रहा हूँ 8 इंच, मतलब जो मेरा ये हाइट होगी, राइट, ये जो मेरी हाइट होगी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डिसाइड कर ली, वो मैंने 8 इंच, तो 6 इंच से 8 इंच है, तो यहाँ पे मैं 8 इंच ले सकता हूँ, ठीक है। उसी तरह से मैं यहाँ पे जो थ्रेड है वो 11 इंच का लेने वाला हूँ, मतलब ये जो थ्रेड है, राइट, इसका डायमेंशन मैंने कितना लिया, 11 इंच यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं 11 इंच का मैं अपना थ्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। ये जो डायमेंशन है ये मैं कितना लेने वाला हूँ, 11 इंच, ठीक है। ये दो चीज़ें सबसे पहले आपको डिसाइड करनी है। ये डिसाइड करने के लिए आपको ये जो दो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, मिनिमम राइज और मिनिमम थ्रेड, ठीक है। इतना होने के बाद, राइट, इतना होने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, राइट, उसके बाद दोस्तों नंबर सबसे पहला आप स्टेप फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ राइजर फाइंड करें। तो नंबर ऑफ राइजर किसे फाइंड किया जाता है, तो नंबर ऑफ राइजर हम फाइंड कर सकते हैं हाइट ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ राइजर, राइट। हाइट ऑफ फ्लोर मतलब क्या दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच का अंतर। तो दोस्तों सपोज ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, तो यहाँ से लेके फर्स्ट फ्लोर का जो टॉप है, राइट, वहाँ तक का डिस्टेंस दोस्तों उसे बोला जाता है, हाँ, क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ फ्लोर। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, हाइट ऑफ फ्लोर मतलब ये जो फ्लोर है यहाँ से लेके टॉप, ऊपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर है उसके टॉप तक का डिस्टेंस दोस्तों हाइट ऑफ फ्लोर बोला जाता है, ठीक है। तो हाइट ऑफ फ्लोर यहाँ पे दोस्तों मैं ले रहा हूँ 9 फीट 6 इंच का दोस्तों मेरा हाइट ऑफ फ्लोर है, ठीक है। ये आपका अलग भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे 9 फीट 6 इंच लिया है, जो जनरली दोस्तों बहुत सारे जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होते हैं उसमें 9 फीट 6 इंच का जो है हाइट ऑफ फ्लोर होता है। तो यहाँ पर मैंने हाइट ऑफ फ्लोर कितना है, 9 फीट और 6 इंच, और दोस्तों हमारी जो हाइट ऑफ राइजर मैंने अज्यूम की थी वो कितनी है, 8 इंच। तो नंबर ऑफ राइजर फाइंड करेंगे हाइट ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ राइजर, तो वो हो जाएंगे करीबन 14 नंबर्स। मतलब दोस्तों मेरे जो ये स्टेयर जो है उसके अंदर जो राइजर के नंबर आने वाले हैं, मैं राइजर अगर काउंट करूँगा, ठीक है, राइजर जो मैं काउंट करूँगा तो मेरे कितने आने चाहिए, 14 आने चाहिए। पर दोस्तों यहाँ पे देखिए एक फ्लाइट नहीं है, कई बार दोस्तों क्या होता है एक ही फ्लाइट होती है, यहाँ पे कितनी फ्लाइट है, 2 है, मतलब एक ऐसी जा रही है और एक फिर घूम के ऊपर जाएगी, तो इसे अलग अलग फ्लाइट होता है, मतलब एक फ्लाइट है ये दूसरी फ्लाइट है। तो हमारे जो एक फ्लाइट के अंदर कितने आएंगे राइजर, 7 आएंगे, राइट। टोटल राइजर हमारे कितने हैं, 14, तो एक फ्लाइट के अंदर हमारे आएंगे 7 राइजर, ठीक है।
तो ये हमारे पता चल गया, 7 राइजर है एक फ्लाइट के अंदर। अब दोस्तों हम मैं आपको ये जो स्टेयर है दोस्तों यही डायमेंशन से बनाई है, तो मैं राइजर आपको काउंट करा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए राइजर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद दोस्तों यहाँ पे लैंडिंग आ जा रही है, मतलब राइजर मेरे साथ हो गए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप काउंट करना चाहें तो यहाँ पर भी हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। राइजर काउंट करेंगे यहाँ से, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7, मतलब दोस्तों यहाँ पे 7 राइजर मेरे आ रहे हैं एक फ्लाइट के अंदर। दूसरी फ्लाइट का भी काउंट कर लेते हैं कि दूसरी फ्लाइट में भी मेरे जो 7 राइजर आ रहे हैं या नहीं। दोस्तों ये जो स्टेयर जो मैंने 3D में ड्रॉ करी है वो सेम डायमेंशन से ड्रॉ की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी हम काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, दोस्तों दोनों फ्लाइट में 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया। दोस्तों यहाँ पे हमने फाइंड किए थे 14 राइजर, तो हमारे 14 राइजर हो रहे हैं, 7 इस फ्लाइट में और 7 दूसरे फ्लाइट में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम जो राइजर आए हैं राइट, उसके ऊपर से नंबर्स ऑफ थ्रेड निकालेंगे। तो नंबर्स ऑफ थ्रेड जो है दोस्तों ऑलवेज जो ऑलवेज मतलब राइजर -1 होता है, मतलब राइजर से एक कम होता है। तो राइजर हमारे 7 है, थ्रेड हमारा क्या करना है, 1 माइनस करना है। तो थ्रेड जो थ्रेड है हमारे कितने आ गए, 6 आ गए, ठीक है। तो ये थ्रेड 6 आए हैं क्या नहीं, काउंट कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पे एक राइजर है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे राइजर है, ये थ्रेड है। तो 1 थ्रेड 2 3 4 5 6, और जो 7वां है दोस्तों वो लैंडिंग में चला जाता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7वां लैंडिंग में चला जाता है, मतलब ऑलवेज ऑलवेज हमारा जो थ्रेड होता है दोस्तों वो हमारा राइजर से एक कम होता है, वो आपने देख लिया। अब यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ, देखिए एक थ्रेड को ये क्या है, एक थ्रेड है, तो थ्रेड 1 2 3 4 5 6 और 7वां हमारा लैंडिंग में चला गया, इसे हमें काउंट नहीं करना है। तो ऑलवेज आप रिमेंबर कीजिए कि आपका जो थ्रेड होता है वो राइजर से एक कम ही होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें जो है ये सारे स्टेप्स बनाने के लिए कितनी जगह चाहिए, तो हमारे पास थ्रेड कितने आए, 6। थ्रेड का जो मैंने डायमेंशन डिसाइड किया था वो 11 इंच का हम थ्रेड लेने वाले हैं, तो 6 थ्रेड बनने वाले हैं 11 इंच के। तो टोटल मुझे ये जो डिस्टेंस है वो दोस्तों कितना लगने वाला है, 5 फीट और 6 इंच, मतलब ये जो डिस्टेंस है स्टेयर बनाने के लिए मुझे 5 फीट और 6 इंच का चाहिए, ठीक है। मतलब जो यहाँ से देखिए ये हमारा स्टेयर है, ठीक है, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है राइट, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ से ठीक है, और मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों मुझे वो 5 फीट 6 इंच का चाहिए, ठीक है। तो 5 फीट 6 इंच हमें वो चाहिए, मतलब ये टोटल डिस्टेंस हमें 5 फीट और 6 इंच का चाहिए, क्योंकि एक थ्रेड कितना है 11 इंच का है, तो 6 आएंगे तो 5 फीट 6 इंच हमें मिनिमम रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद विथ ऑफ लैंडिंग, अब विथ ऑफ लैंडिंग किसे बोला जाता है, जैसे हम यहाँ से उतरेंगे, ठीक है, कोई भी इंसान यहाँ से उतरेगा तो उसे थोड़ा स्पेस चाहिए यहाँ से घूमने के लिए, या फिर सामने से कोई आदमी आ रहा है तो उसे थोड़ी जगह तो चाहिए एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। तो ये जो पोर्शन होता है दोस्तों ये लैंडिंग का पोर्शन होता है, ठीक है, यहाँ से लेके ये जो लेंथ होती है उसे लैंडिंग विड्थ कहा जाता है। तो लैंडिंग विड्थ दोस्तों कितनी लेनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो लैंडिंग विड्थ दोस्तों 2.5 फीट से आप 3.5 फीट के करीब ले सकते हैं, ये आइडियल जो है लैंडिंग विड्थ होती है किसी भी स्टेयर के लिए। तो यहाँ पे उसके बीच का मैं ले रहा हूँ 3 फीट, मतलब ये जो डिस्टेंस है दोस्तों मैं 3 फीट ले रहा हूँ, जिसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मैंने 3 फीट लिया है। तो दोस्तों मिनिमम अभी देखिए स्टेयर के अंदर स्टेप्स होने चाहिए और लैंडिंग होनी चाहिए, मिनिमम इतना तो हमारे पास होना ही चाहिए। कोई भी स्टेयर है उसके अंदर स्टेप्स होने चाहिए और लैंडिंग होनी चाहिए राइट। बाकी जो आगे का पोर्शन है दोस्तों ये अगर किसी रूम ड्राइंग रूम में या फिर किचन या कोई भी रूम में अगर ये खुलता होगा, स्टेयर निकलते होंगे तो उसे कोई मतलब नहीं, बट यहाँ पे ये पोर्शन और ये पोर्शन कोई भी स्टेयर है उसके अंदर एसेंशियल है, ठीक है। तो टोटल दोस्तों क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर स्टेयर, मतलब स्टेयर के लिए हमें टोटल लेंथ कितनी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कितनी लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी राइट। ये जो डिस्टेंस है दोस्तों ये वाला डिस्टेंस जो है ये कितना होना चाहिए, तो ये 5 फीट 6 इंच और ये 3 फीट, मतलब करीबन 8 फीट 6 इंच दोस्तों मिनिमम हमें कोई भी स्टेयर बनाने के लिए जगह चाहिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे 8 फीट और 6 इंच का जो है मिनिमम मुझे स्टेयर की लेंथ होनी चाहिए राइट। तो इतनी जगह तो हमारे कोई स्टेयर के लिए देनी ही पड़ेगी। तो ये तो हुई दोस्तों सेक्शन की बात की मैंने, मतलब लेंथ की बात की, अब स्टेयर की विड्थ की बात करते हैं। अगर मैं ऊपर से अगर देखूं स्टेयर को तो ये कुछ टॉप व्यू उसका इस तरह से दिखेगा, ठीक है, टॉप व्यू हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैं उसको सेम इस तरह घुमा देता हूँ, उसके बाद उसका टॉप व्यू हम निकालेंगे। तो देखिए ये जो है स्टेयर का टॉप व्यू है, ठीक है, ये हमारा स्टेयर का टॉप व्यू है।
तो ये तो हो गया दोस्तों हमारी लो लेंथ, मैंने बोली ये हमारी जो लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए करीबन 8 फीट और 6 इंच। तो ये विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ, राइट। तो ये विड्थ करीबन दोस्तों 6 फीट के करीब होनी चाहिए, क्योंकि एक जो स्टेप्स है उसकी जो लेंथ मैंने आपको बताया कि 3 फीट का जो एक स्टेप की लेंथ होनी चाहिए, और हमारे यहाँ पे एक और दो स्टेप्स आएंगे क्योंकि 2 फ्लाइट है, तो हमें मिनिमम 6 फीट चाहिए। तो दोस्तों कोई भी जो स्टेयर अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए हमें मिनिमम डायमेंशन होना चाहिए 8 फीट 6 इंच बाय करीबन 6 फीट का, हमें मिनिमम जो है स्टेयर के लिए जगह छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए हो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, कि कोई भी स्टेयर अगर आप बना रहे हैं ठीक है, तो उसके अंदर 8 फीट 6 इंच बाय 6 फीट का आपको मिनिमम जो है स्पेस जो है स्टेयर बनाने के लिए छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इतना हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से दोस्तों हम स्टेयर की जो स्टेयर की डिज़ाइन आप आराम से कर सकते हैं किसी भी घर के लिए। ठीक है, तो यही जो है मेन मेन पॉइंट आपको बोल देता हूँ कि राइजर फाइंड करने के लिए हाइट ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ राइजर, राइट। उसके अंदर दोस्तों हाइट ऑफ फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर का जो टॉप है और फर्स्ट फ्लोर का जो टॉप फ्लोरिंग है उसके बीच का डिस्टेंस आपको लेना है। राइजर और थ्रेड का जो मिनिमम क्राइटेरिया आपको बता दिया कि मिनिमम राइजर हमारा 6 इंच से 8 इंच और मिनिमम थ्रेड हमारा 10 इंच से 12 इंच होना चाहिए। उसके बीच में आप कुछ डिसाइड कर सकते हैं रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो उसी तरह से दोस्तों हम जो है स्टेयर की डिज़ाइन करते हैं रेगुलरली, राइट। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे बताइए, राइट। बहुत ज़्यादा कम भी दोस्तों हमें जो है स्टेयर की जो विड्थ नहीं रखनी चाहिए, बाकी जो हम तो जो मतलब एक कंजेस्टेड प्लेस बन जाता है अगर 3 फीट से हम कम लेते हैं, तो 3 फीट तो ज़रूर हमें स्टेयर की विड्थ लेनी चाहिए। लैंडिंग प्लेस के लिए दोस्तों 2.5 फीट भी आप ले सकते हैं, राइट। बट उतना बहुत ज़्यादा वो कम जगह हो जाती है, कई बार दोस्तों सामान भी हमें ऊपर नीचे करना पड़ता है, उसके लिए दोस्तों वो जगह बहुत कम पड़ जाएगी। तो ज़रूर 3 फीट दोस्तों मिनिमम आप रखिए, ठीक है, क्योंकि जो डोर भी होता है दोस्तों मिनिमम वो 3 फीट का हम लेते हैं। ठीक है, तो ये तो ज़रूर होना चाहिए। ओके दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।